आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं ना, रह गए थे पांच क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, उसके बाद हिंदी है हमारी। तो इन पांच क्वेश्चंस और हिंदी को हम एक साथ कर लेंगे, क्योंकि हमारा है ना बार बार पार्ट पार्ट में वीडियोज़ है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे आपको देखने में भी प्रॉब्लम आता होगा। तो आइए कर लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2022 एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल एंड सीएम राइज स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर से है ना पास हो सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं एक्सीलेंस मॉडल स्कूल एंड सीएम राइज स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिएगा। हमारे पास समय कम है तो इन प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को है ना कंप्लीट करते जाइए, जिससे कि आप अच्छी मार्किंग जो अच्छे नंबर है ना ला पाएं। क्वेश्चन नंबर 16, फुल फॉर्म ऑफ टीबी इज टू, टीबी का जो है ना फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्यूबरक्लोसिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज, तो इसका जो राइट आंसर है CaCO3। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी तैयार जरूर कर लीजिएगा। इन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की यह सीरीज चल रही है, जिससे कि आप अच्छी है ना नंबर ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से है ना हिंदी हमारा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बीच में ही इन क्वेश्चन को है ना इन्होंने दे दिया था, तो हमको करना जरूरी था। अब है ना हिंदी का क्वेश्चन चलेगा, इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आपका अच्छा नंबर ला सकता है एक्सीलेंस एंड मॉ स्कूल एंड सी एम राइज स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है ना? तो क्वेश्चंस को करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, तरोवर का अर्थ है, तो तरोवर का अर्थ होता है विशाल वृक्ष, ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी वाक्य में शब्द का प्रयोग एक बार हो लेकिन अर्थ अनेक निकलते हों, तो यह अलंकार होगा, तो ऑप्शन सी जो है ना इसका सही आंसर है, श्लेष्म अलंकार। श्लेष्म अलंकार इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हों, अर्थात एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ श्लेष्म अलंकार होता है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुनी, इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, छह ऋतुएं में यह एक सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है ससर्व ये सम्मिलित नहीं है, इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक डॉट डॉट घटना अचानक आकर एक क्षण में घट गई और युवा प्राण संसार से उठ गया, तो इसका जो सी ऑप्शन है अप्रत्याशित, इसका सही आंसर है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये सारे क्वेश्चंस आपके 2022 के लिए एक्सीलेंस एंड मॉ स्कूल सी एम राइज स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित शब्द बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका जो सी ऑप्शन है पिनाक, इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, बाढ़ का जो पर्यायवाची है वो तीर, सार, नारद, सायक और सिलमुखी। पिनाक के जो है ना धनुष चाप, धनुष सरासन और को दंड है ना इसका पर्यायवाची दिया हुआ है। इन क्वेश्चंस को आप लिखते जाएंगे, जिससे कि आप अच्छा नंबर ला सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, पवित्र का संधि विग्रह है, तो पवित्र का जो है ना संधि विग्रह ऑप्शन ए, प्रो प्लस इत्र, इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नीलोत्पल में समाज है, तो नीलोत्पल में जो समाज है वो ऑप्शन ए, कर्मधारय समाज है, इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो इसमें जो है ना डी ऑप्शन, कांति की जो है ना इसके वर्तनी जो है ना अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये और भी शब्द हमें यहाँ दे रखे हैं, जैसे अशुद्ध, अशुद्ध इस साइड है और शुद्ध इस साइड है, अशुद्ध ये रहे, शुद्ध ये रहे। अहिल्या इस तरह लिखते हैं, अधीन इस तरह, कांति इस तरह, अध्ययन इस तरह, ब्रज इस तरह और द्वंद इस तरह लिखते हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो इसमें जो है ना डी ऑप्शन, व्युतिक्रम की जो है ना वर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पे ये कुछ शब्द दे रखे हैं शुद्ध शुद्ध और अशुद्ध के, तो इनको तैयार कर लेना। साक्षी हम ऐसे लिखते हैं,
वज्र ऐसे लिखते हैं, सतम सन्मार्ग ऐसे लिखते हैं, प्रदर्शनीय इस तरह से लिखते हैं और पूजनीय इस तरह से। तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं और ये दोनों क्वेश्चंस आ चुके हैं, नायक और नायिका वाले, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी बर्तनी शुद्ध है? तो इसमें जो है ना बी ऑप्शन सही है, परलौकिक इसका है ना सही आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं शुद्ध और अशुद्ध बर्तनी वाले, तो उनको तैयार कर लेते हैं। हरिद्वार इस तरह से लिखा जाता है, सुरक्षता इस तरह से और दीक्षा इस तरह से, परिषद, राजनीति और स्वयंवर इस तरह से कुछ ये शब्द लिखे जाते हैं, ये शुद्ध शब्द हैं और इस साइड के जो है ना अशुद्ध शब्द हैं ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, चंडासू शब्द का अर्थ होता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो कोड़ी होता है, सी ऑप्शन इसका जो है ना राइट आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है 2022 के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो एक्सीलेंस हैं मॉडल स्कूल सीएमआरआई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निर्यात शब्द का विलोम है, तो निर्यात शब्द का जो विलोम है वो आपका ऑप्शन डी आयात, आयात इसका जो है ना सही आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आंगन का पर्यायवाची है, तो आंगन का जो पर्यायवाची है अजित, ऑप्शन डी जो है ना इसका सही आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो है आपका डी ऑप्शन सूरज, सूरज जो है ना इसमें तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 33, खंडन का विलोम है, तो खंडन का विलोम कौन सा है, अखंडन, अखंडन सी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर ये कुछ शब्द दे रखे हैं, यहाँ पर जाएंगे तो मनुज, धनुज, भोगी, योगी, मश्रण, रुच्छ, बुद्ध, मुक्त, नीरस, सरस, इसके नीरस वाला ये शब्द जो है ना आ चुका है आपके एग्जाम में और 2022 के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो इनको तैयार करते रहिए और लिखते भी जाइए साथ साथ, जिससे कि आप लास्ट टाइम अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। नेक्स्ट यहाँ पे फिर है ना ये हिंदी यहीं पे समाप्त होता है, अब हम नेक्स्ट जो है ना पार्ट में आगे के क्वेश्चन जो है ना डिस्कस करेंगे, वो भी आपके इंग्लिश के। तो अभी के लिए अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएँ और वीडियो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचाएँ और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़रूर करें और चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की कोशिश जरूर करें, जिससे कि बहुत जल्द आपकी ऑनलाइन क्लास हो सके। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।